मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों, मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरने किस काम के। तो बिल्कुल इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं सचिन अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस पसंदीदा शो कंप्यूटर अवेयरनेस में। तो बिल्कुल स्वागत है गाइज आप सभी का। आप सभी लोग पैशनेट होकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ कंप्यूटर के कुछ नए क्वेश्चंस को करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो बिल्कुल जिस उम्मीद के साथ आप यहां पर जुड़े हैं आप की वो उम्मीद मैं सचिन अरोड़ा बिल्कुल उस पर मैं खरा उतरूंगा और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में सिखाऊंगा, ऐसी ऐसी टेक्निक में सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में तो हेल्प आउट करेंगी ही, और इसके साथ साथ ये आपके लाइफ में भी एक बड़ा टर्न लेकर आएंगी। क्योंकि कंप्यूटर एक सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर सब्जेक्ट से बढ़कर है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जिस गैजेट पर काम करते हैं, जिस मोबाइल फोन पे काम करते हैं, जिस कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो काम आखिरकार होता कैसे है। तो बिल्कुल यहां पर हम लोग इन सब बातों के बारे में सीखेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस फेवरेट सेशन में कंप्यूटर अवेयरनेस फोकस ऑन आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2020 एग्जामिनेशन। पीओ में आने वाले क्वेश्चंस हो या क्लर्क में आने वाले क्वेश्चंस हो, बिल्कुल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। कोई और बुक पढ़ने की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे अगर आप डेली मेरे साथ में जुड़ेंगे ठीक 1 बजे। तो चलिए स्वागत है गाइज आप सभी का, शुरू करते हैं सेशन से। लेकिन इससे पहले आपको यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, तो बिल्कुल आप इस इंफॉर्मेशन को एक बार पढ़ लें अच्छे से, कृपया ध्यान दें, प्लीज पे अटेंशन गाइज। अड्डा 247 के किसी भी लाइव बैच, कोर्स, टेस्ट सीरीज या बुक को आप खरीदना चाहते हैं या अपने कैरियर को आप एक मुकाम देना चाहते हैं, है ना, आप चाहते हैं, देखिए सक्सेस आपकी कहां से होगी, सक्सेस के लिए आपको कोई ना कोई मेंटर की रिक्वायरमेंट है, कोई ना कोई साथी की रिक्वायरमेंट है, तो वो साथी आपके हम लोग हैं। तो बिल्कुल आप लाइव बैच के थ्रू, कोर्स के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू या बुक के थ्रू आपको यहां पर भारी डिस्काउंट भी मिल रही है, आप अपने कैरियर को संवार सकते हैं। और इसी कैरियर को संवारने के लिए हम लोगों ने आपके लिए कोड डिजाइन किया है, दैट इज Y233, जहां आप बहुत ही कम कीमत पर हमारे साथ में अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो बिल्कुल आपने अगर निश्चय कर लिया है तो अब देर मत करिए, फटाफट से जाइए और कोड अप्लाई करिए Y233, और वहां से आपको हैवी डिस्काउंट के साथ में प्रोडक्ट मिलेगा। आपको लगता है कि आपकी मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, रीजनिंग वीक है, कंप्यूटर वीक है, तो इन सभी से रिलेटेड आपको बैचेस मिल रहे होंगे और बिल्कुल आप उनको परचेस कर सकते हैं और अपनी कैरियर में एक नया उत्साह ला सकते हैं। चलिए गाइस, तो यहां पर समय आ चुका है आंसर ऑफ दी होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करने का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक सेशन में आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो उस पार्टिकुलर सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो डैम श्योर क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ, रजिस्टर किससे मिलके बने होते हैं, ये मैंने पूछा था कल के सेशन में जाते जाते, और बिल्कुल आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर लगाया है। सही आंसर है गाइस फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से मिलके बने होते हैं। कई सारे फ्लिप फ्लॉप जब कलेक्ट होते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं रजिस्टर्स। इतना ही नहीं, इसके बारे में और भी जानिए क्योंकि रजिस्टर इंपॉर्टेंट है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, कैसा स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज है, परमानेंट नहीं है, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट ये भी जानना बहुत जरूरी है कि रजिस्टर्स आर बिल्ट इनटू अ सीपीयू,
यानी आपके प्रोसेसर यानी सीपीयू में ही रजिस्टर्स आपके लगे होते हैं। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि रजिस्टर्स कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो इसका आंसर या तो सीपीयू हो जाएगा या तो प्रोसेसर हो जाएगा, और ये दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी, यानी अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन और भी आता है कि विच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी, सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है, तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कैशे आंसर होता है, लेकिन एक मेमोरी ऐसी है जो कैशे से भी तेज है, वो है आपकी रजिस्टर। तो अगर एग्जाम में रजिस्टर दिया हो तो बिल्कुल पहली प्रायोरिटी रजिस्टर की होगी और दूसरी प्रायोरिटी वहां पर कैशे की होगी। यानी अगर ऑप्शन में रजिस्टर है तो रजिस्टर, कैशे है तो कैशे, और दोनों अगर दिया है तो आंसर रजिस्टर होगा, क्योंकि रजिस्टर से फास्ट कोई भी मेमोरी नहीं होती है। चलिए, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, सिर्फ मेमोरी ही फास्ट नहीं है, मेमोरी फास्ट होने का मतलब क्या है कि वहां से हम जल्दी डेटा को निकाल सकते हैं, जल्दी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी मेमोरी जिसमें से हम डेटा को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में, तो वो होती है आपकी अगेन रजिस्टर। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पॉइंट नंबर वन, रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। दूसरा, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। तीसरा, रजिस्टर्स कहाँ पर होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो आंसर है प्रोसेसर पर लोकेटेड होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सबसे तेज चलने वाली मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम है, इसका मतलब कि यहां से डेटा को बहुत ही जल्दी निकाला जा सकता है। एक्सेस करने का मतलब निकालना, तो डेटा को निकालने में ये बहुत तेजी से काम करती है, और इसी वजह से इसको फास्टेस्ट मेमोरी भी कहा जाता है। वेरी गुड गाइस, सुपर्ब। तो जिन कैंडिडेट्स ने बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर किया था, तालियां बिल्कुल बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये अपने सिलेक्शन को यहां पर कंफर्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनकी डेडिकेशन देखते बनती है गाइस। तो बिल्कुल आप भी क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सिलेक्शन वही लेगा जो जिद होगी। जिद के बिना सिलेक्शन ले पाना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपने ठाना है सिलेक्शन लेना है तो जिद जरूरी है। इसके लिए हर वो काम आपको करना होगा जो आपका मेंटर आपसे कहता है, राइट। चलिए देखते हैं, तो के पटेल, शुभलक्ष्मी मोहंती, आमिर, शिवानी, देवजीत, श्रेया, अनु, मोहम्मद, नवाज, वेनु गोपाल, बिल्कुल सही आप लोगों ने यहां पर आंसर दिया है गाइस, सही आंसर है। विकास भारती, पल्लवी गुप्ता, इरशाद, विकास सिंह राजपूत, सौरभ खरे, गणेश चौधरी, आव्या यादव, कृतिका शॉ, दिनेश गुप्ता, ऋचा साहू, कंदीपन दीपन, कितने ही बढ़िया तरीके से आप लोग ने यहाँ पर समझाया है अपने आंसर को, बहुत बढ़िया गाइस। बस यही डेडिकेशन चाहिए, यही डेडिकेशन चाहिए। सिमन, बिमन दत्ता, सचिन अग्रवाल, अंजू यादव, पुरुषोत्तम कुमार, एरो, मेनका कुमारी, आलम साहब, करुण खन्ना, कनिका एब्रॉल, इरशाद, सबका बिल्कुल सही जवाब है। वेरी वेल डन गाइस, वेरी वेल डन। संकल्प इंगोले, राहुल, श्रवणी, इन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन गाइस। चलिए, तो बिल्कुल अब आपके सामने आ चुका है आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे।
आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है देखते हैं एक बार। कंट्रोल प्लस डी इज अ शॉर्टकट की यूज्ड फॉर। कंट्रोल प्लस डी इस शॉर्टकट का यूज किस लिए किया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो भी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब देंगे बिल्कुल उनका नाम उनके कमेंट के साथ में कल के सेशन में। बिल्कुल सही सुना आपने, कल संडे को भी सेशन होता है डेली, कल के सेशन में ठीक 1 बजे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को अगर आंसर आता होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, लेकिन इस वीडियो के स्ट्रीम होने के बाद में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समय आ चुका है मैगी सेशन विद सचिन अरोड़ा सर, एक क्विक रिवीजन सेशन है 2 मिनट का, जहां पर आप लोग मेरे साथ में ये जानते हैं कि कल के सेशन यानी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने किन मुद्दों के बारे में बात की थी। तो जिनसे कल का सेशन मिस हो गया था कोई परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी फटाफट से हम लोग 2 मिनट के अंदर सेशन को रिवाइज करेंगे। तब तक आप लोग मैगी का मजा ले सकते हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो कल के सेशन में बात हुई थी हार्ड डिस्क के बारे में, जहां ये बात हुई थी कि ट्रैक्स और सेक्टर से मिलके हार्ड डिस्क बनी होती है ना। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी हार्ड डिस्क होती है वो किसी ना किसी चीज से तो मिलके बनी होगी। तो हार्ड डिस्क किस चीज से मिलके बनी होती है? ट्रैक से मिलके बनी होती है, सेक्टर से मिलके बनी होती है, क्योंकि इतना डेटा इसको स्टोर करके रखना पड़ता है अपने आप, है ना। अपने पास में बहुत डेटा स्टोर करके रखना होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हार्ड डिस्क किससे मिलके बनी होती है, तो याद रखिएगा ट्रैक और सेक्टर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एक ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। एक ऐसे कंप्यूटर्स जिनका यूज बड़ी बड़ी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज में किया जाता है, सिर्फ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए ऐसे कंप्यूटर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, माउस के बारे में भी कल डिस्कशन हुआ था। वैसे तो देखिए कहते हैं माउस क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल माउस से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन दी माउस, माउस में कितने बटन्स होते हैं। तो कुछ लोग 2 कहेंगे, कुछ लोग 3 कहेंगे, और ऑप्शन में भी 2 और 3 लिखा होगा, है ना। सही जवाब होता है 3 बटन्स, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल। माउस के फाउंडर पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो आप लोग जानते हैं मिस्टर डोगलस एंजेलबर्ट इज नोन एज द फाउंडर ऑफ माउस। ठीक है, तो माउस से भी कई तरीके के पूछते हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस है ना क्या होता है, या मैकेनिकल माउस क्या होता है। तो बिल्कुल इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। फाइल एक्सटेंशन, फाइल की 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है फाइल का नाम और एक होता है फाइल का एक्सटेंशन। फाइल का नाम मतलब, फाइल का नाम मतलब जो यूजर देता है, जो आप देते हैं, और एक्सटेंशन मतलब जो फाइल का एक्सटेंशन यानी जो खुद ब खुद फाइल क्रिएट करती है। द एक्सटेंशन द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, जिससे उस फाइल की आइडेंटिटी पता चलती है, ये पता चलती है विद द हेल्प ऑफ फाइल एक्सटेंशन। जैसे एमएस वर्ल्ड का .doc या .docx, एक्सेल का .xls ना। तो ये होते हैं आपके एक्सटेंशन। पावर पॉइंट का PPT, नोट पैड का .txt, ये सब आपके फाइल एक्सटेंशन होते हैं। ऑप कोड क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया पूरा एक्सप्रेशन ऑप कोड होता है। जैसे 1 + 2 = 3, ये पूरी लाइन आपकी ऑपकोड हो गई। 1 + 2 = 3, ये पूरी लाइन आपकी क्या हो गई गाइस? ऑपकोड हो गई। ठीक है, यूएसबी पोर्ट क्या होता है? वो पोर्ट
जो पेरिफेरल डिवाइस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है उसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। वो पोर्ट जो पेरिफेरल डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है उसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। और इसके पापा हैं मिस्टर अजय भट्ट। अजय भट्ट जी के द्वारा यूएसबी बनाई गई, याद रखिएगा ये चीज। हार्ड डिस्क के बारे में देखिए, ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जीपीएस के बारे में बता देते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उन सभी को ट्रैक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। और जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ट्रांसपोज क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोज का मतलब होता है जब हम एमएस एक्सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एमएस एक्सेल की बात करते हैं। रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना और कॉलम्स के डेटा को रोज में कन्वर्ट कर देना, इसे कहा जाता है ट्रांसपोज। एक बार फिर से बहुत अच्छे से सुनिए, जब हम एमएस एक्सेल की बात करते हैं तो एमएस एक्सेल में रोज में जो डेटा है उसको कॉलम में बदलना, कॉलम में जो डेटा है उसको रोज में बदलना, इसको कहा जाता है ट्रांसपोज। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। ईथरनेट क्या होता है? इसके बाद बिल्कुल क्वेश्चन आंसर डिस्कस होंगे, आराम से बैठ के सुनते रहिए। ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट पोर्ट भी होता है और ईथरनेट केबल भी होती है। लैन को कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट पोर्ट का यूज किया जाता है। लैन को कनेक्ट करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, इसे RJ45 पोर्ट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज RJ45 पोर्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। डिफ्रेगमेंटेशन क्या है? हार्ड डिस्क में यूज स्पेस को एक तरफ, अनयूज्ड स्पेस को एक तरफ करने का तरीका डिफ्रेगमेंटेशन है। फिर से सुनिए, हार्ड डिस्क की जब हम बात करते हैं तो हार्ड डिस्क में कई सारी ऐसी स्पेस होती है जो यूज्ड होती है और कई सारी ऐसी स्पेस होती है जो अनयूज्ड होती है। तो यूज्ड स्पेस को एक तरफ और अनयूज्ड स्पेस को एक तरफ करने का तरीका क्या है? डिफ्रेगमेंटेशन है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, टैब ओपन करना और अगला है टैब को क्लोज करना। टैब को ओपन करना और अगला है टैब को क्लोज करना। तो नए टैब को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ में टी दबाएंगे और टैब को बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ डब्लू दबाएंगे। तो याद रखिएगा, टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ टी और टैब को बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ डब्लू प्रेस किया जाता है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? ये बात हो गई क्विक रिवीजन सेशन, मैगी सेशन के बारे में। मतलब कल हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था उसका एक शॉर्ट रिव्यू, राइट? अब यहां पर कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर, आपके सारे वीडियोस हमें देखने हैं, ये कहाँ मिलेंगे? तो देखिए, उसका आंसर एक ही है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर आपको मेरे सभी कंप्यूटर के वीडियोस फ्री में देखने को मिलेंगे। सचिन अरोड़ा टेक गुरु, इस नाम से आप मुझे सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में। सचिन अरोड़ा मेरा नाम है, टेक गुरु अगर उसके आगे आप लगाएंगे तो आप टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको सभी वीडियो, सभी क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे।
चल आगे बढ़ते हैं गाइस। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, शानदार तरीके से आंसर करने की कोशिश करिए। चल वेरी गुड विनोद कुमार जी, थैंक यू। ALU works on the instruction and data held in dash. ALU मतलब arithmetical logical unit. ALU works on the instruction. ALU जो है ये आपके CPU का पार्ट है ना। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि CPU के तीन पार्ट होते हैं, CU, ALU, MU। तो यानी CPU की बात हो रही है। CPU के अंदर जो ALU होता है ये किसके इंस्ट्रक्शन पर काम करता है और किसके डेटा पर काम करता है, किस डेटा पर काम करता है? तो बिल्कुल इसका आंसर है रजिस्टर। अगर कहीं भी बात CPU की हो या फिर ALU की हो तो हमेशा इसका आंसर क्या होता है? रजिस्टर होता है, याद रखिएगा। मधुमिता जी थैंक यू वेरी मच। चलिए वेरी गुड गाइस, ठीक है समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम फॉर्मूला इन एक्सेल। यानी जब हम एमएस एक्सेल की बात करते हैं, जब हम एमएस एक्सेल की बात करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला लिखते हैं, तो उस फॉर्मूले को और क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल इज। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो बिल्कुल एक्सेल शीट की जब हम बात करें तो आप लोग जानते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होती है एक्सेल शीट, और रोज एंड कॉलम्स में जो हम फॉर्मूला इनपुट करते हैं उस फॉर्मूले का दूसरा नाम फंक्शन होता है। द फंक्शन इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं एग्जाम में, ये सीख लो। अगर ये सीख लिया है ना तो आपके सारे आंसर सही होंगे। अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम फॉर्मूला, आपने कहा आंसर फंक्शन है, तो इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सीखे। वो दो क्वेश्चन क्या सीखे? अगर एग्जाम में ये पूछेंगे कि एक्सेल में फंक्शन का दूसरा नाम क्या है तो आंसर हो जाएगा प्री प्रोग्राम फॉर्मूला। ठीक, बस बैंक में क्या किया जाता है या फिर कंपिटिटिव एग्जाम में क्या किया जाता है, क्वेश्चन से आंसर और आंसर से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने इस स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ा कि आपको समझ में आ गया है ना, तो सभी आपके आंसर सही होंगे, ये डैम श्योर है। जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्टर किससे मिलके बना होता है, आपने कहा फ्लिप फ्लॉप से मिलके बना होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछेंगे कि फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड व्हाट, तो बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ। अगर एग्जाम में पूछेंगे फ्लिप फ्लॉप मिलकर क्या बनाता है तो आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने कहा फ्लिप फ्लॉप से मिलकर रजिस्टर बनता है ना। तो आपको समझ में आ गया कि हर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे होते हैं। ठीक, तो अगर आपने 100 क्वेश्चंस यहां पर पढ़े तो इसका मतलब आपने कितने क्वेश्चंस पढ़े, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 200 क्वेश्चंस आपने पढ़े। तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि इससे बाहर भी कुछ पूछ सके, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये आपका सचिन सर का वादा है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल उड़ा 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 देंगे गाइस, एग्जाम को उड़ा देंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे बिल्कुल। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। रोहित कॉल जी कह रहे हैं प्लेलिस्ट बना दीजिए, बिल्कुल कल से देखो मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी लगा दूंगा ठीक इसी वीडियो के नीचे, जहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे ठीक। तो प्लेलिस्ट के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, कल से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी ठीक, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा नीचे कमेंट बॉक्स में ठीक, कल से ये काम करवा देंगे। अरे आप ही लोगों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो आप लोग कहेंगे वो होगा। बिल्कुल प्रिया वर्मा जी बिल्कुल। चलो, इन एक्सेल द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन द डैश। इन एमएस एक्सेल में जो एक्टिव सेल के जो कंटेंट होते हैं वो कहां दिखते हैं? फुटर में, टूल बार में, टास्क बार में, मेन्यू बार में या फॉर्मूला बार में? बिल्कुल सही। देखो एक्टिव सेल के जो कंटेंट होते हैं वो हमेशा फॉर्मूला बार में दिखते हैं। आपने एमएस एक्सेल में कुछ भी लिखा, किसी भी सेल में कुछ भी लिखा ठीक, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ कंटेंट कहां दिखने लगता है? फॉर्मूला बार में दिखने लगता है। तो इसका मतलब एक्सेल में द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार। अब अगर एग्जाम में चेंज करेंगे तो क्या पूछेंगे? फॉर्मूला बार में क्या दिखता है? राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल, एक्टिव सेल का कंटेंट दिखता है ठीक। तो इसलिए हर क्वेश्चन को दोनों तरफ से पढ़ोगे, कभी भी गलत नहीं होगा और हमेशा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, फुटर आप लोग जानते हैं कि किसी भी टेक्स्ट फाइल में नीचे फुटर दिया होता है ना, जहां पर आपका पेज नंबर दिया होता है वो फुटर होता है। टूल बार क्या होता है? जहां पर शॉर्टकट्स दिए रहते हैं। टास्क बार सबसे नीचे होता है। मेन्यू बार ऊपर होता है ठीक है। चलो वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। ये रहा अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, विच ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स इज कनेक्शनलेस। विच ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज कनेक्शनलेस, यानी एक ऐसी प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है जो कनेक्शनलेस है। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब है यूडीपी। यूडीपी इज द राइट आंसर, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज द कनेक्शनलेस। वहीं पर टीसीपी आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड होती है। कनेक्शन ओरिएंटेड अगर पूछा जाए तो टीसीपी होगा, कनेक्शनलेस पूछा जाए तो यूडीपी होगा ठीक है। एफटीपी आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग दी फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से है। एचटीटीपी मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से है, जिसका यूज वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। विच इज यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट, याद रखिएगा कई बार पूछते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है,
तो इस केस में सही जवाब है HTTP। आई होप आप लोग नोट करते जा रहे हैं ये सब चीजें। आकांक्षा जी, TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रिया वर्मा जी, ये सेवेंथ क्लास है RRB की, 7 days हो गए हैं इस क्लास को, आज सेवेंथ डे है, डेली 1 बजे ये क्लास होती है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अगला क्वेश्चन, वॉट टाइप ऑफ की आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। कंट्रोल और शिफ्ट कैसी की होती है? अजय जी, FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। What टाइप ऑफ की आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। कंट्रोल और शिफ्ट किस तरीके की key है? ऑप्शन है 3 finger, टॉगल कीज, मॉडिफायर की, फंक्शन की, या फिर none of these। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनिए। कंट्रोल और शिफ्ट जो आपकी की है वो मॉडिफायर की कैटेगरी में आती है। कैसी कीज है? मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर का मतलब नरेंद्र मोदी जी ऑन फायर, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। इसका मतलब वो कीज जो अकेले काम नहीं करती और दूसरे कीज के साथ में काम करती हैं और अपनी फंक्शनैलिटी को चेंज कर लेती हैं, मॉडिफाई कर लेती हैं। ठीक, ऐसी कीज जो अकेले, जिनको काम करने में आता ही नहीं, डर लगता है उनको कि अकेले हम काम करेंगे ही नहीं, और दूसरे के साथ में काम करती हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, ऐसी कीज होती हैं आपकी मॉडिफायर की। जैसे कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, ये कभी अकेले आपने देखी है काम करती हुई? कभी नहीं होती, है ना, दूसरे के साथ में काम करती हैं और अपनी खुद की प्रॉपर्टी को बदल लेती हैं, मॉडिफायर है। 3 finger की कौन सी होती है? कंट्रोल, ऑल्ट, डिलीट, ये 3 आपकी होती हैं 3 finger की, जिनको एक साथ दबाया जाता है। ठीक है, 3 finger की का मतलब ऐसी कीज जो 3 एक साथ दबाने पर कुछ एक्शन ट्रिगर करे, है ना, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट प्लस डिलीट, इनको अगर आप एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा, टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा, है ना, वहां से आप शटडाउन भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो दिस इज विद द हेल्प ऑफ 3 finger की। टॉगल कीज क्या होती हैं? वो कीज जिनके लास्ट में लॉक लगा होता है, ताला लगा होता है, उन्हें टॉगल कीज कहते हैं। जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये टॉगल कीज होती हैं। फंक्शन कीज किसे कहते हैं? वो कीज जो स्पेशल फंक्शन के लिए बनी होती हैं, जैसे F1, F2, F3, F4 टिल F12, है ना, F12 तक होती हैं ये, और एक और भी होती है जिसे FN कहते हैं। तो ये आपकी फंक्शन कीज हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन सभी कीज के बारे में। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो
समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। F2 की का यूज किस लिए किया जाता है? F2 की इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? बताइए। F2 की इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आदित्य प्रो जी बताइए, आंसर्स पे ध्यान दीजिए। मुझे लगता है शायद अगर आप आंसर पे ध्यान देंगे तो अच्छा करेंगे। बताइए F2 की इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? बिल्कुल सही आंसर है, टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर। किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 की का यूज किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। द डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा। द डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा। डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? द डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा। बिल्कुल द राइट आंसर इज फील्ड। फील्ड एकदम सही जवाब है, क्योंकि आप लोग जानते हैं फील्ड एक छोटी यूनिट होती है। वैसे तो इसकी सही यूनिट होती है बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, लेकिन बिट दिया नहीं है, बाइट दिया नहीं है, दिया क्या है? फील्ड। तो बिट बाइट अगर दिया होता तो बिट सबसे छोटी, बाइट उससे बड़ी, है ना। फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डेटाबेस, ये यूनिट होती, लेकिन बिट बाइट को दिया ही नहीं है, इसलिए यहां पर सही जवाब होगा फील्ड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस, क्लियर है? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत ध्यान से देखकर आंसर बताइए। बिल्कुल अहाना जी, संडे को क्लास होती है, कल भी क्लास होगी ठीक 1 बजे। नो हॉलीडे, जब तक सक्सेस नहीं तब तक आराम नहीं। बिल्कुल सही, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज एकदम सही जवाब है। थर्ड इज द राइट आंसर गाइस। वाइटल का मतलब होता है क्रूशियल, आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, आपकी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अंडर सीज का मतलब किसी गलत हाथों में है, अंडर द रॉन्ग क्लचेस, गलत हाथों में पहुंच गई, तो इसका मतलब कि ये वायरस है, राइट? दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वेरी गुड। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, फील्ड का कोई साइज नहीं होता है विनोद कुमार जी, देयर इज नो पार्टिकुलर साइज ऑफ फील्ड। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स इन कंप्यूटर? अगेन एकदम हलवा क्वेश्चन, लेकिन हाँ क्लर्क में पूछा जरूर जाता है ये क्वेश्चन। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स इन कंप्यूटर? बिल्कुल जॉयस्टिक एकदम सही जवाब है। ये सभी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, है ना। टच स्क्रीन तो इनपुट आउटपुट दोनों होती हैं आपकी,
लाइट पेन भी आपकी इनपुट है, जॉयस्टिक भी है, कार्ड रीडर है ना, लेकिन ये आपकी स्टोरेज है। कार्ड रीड करने वाली डिवाइस जरूर आपकी इनपुट हो सकती है, लेकिन कार्ड एक क्या है, कार्ड स्टोरेज है, लेकिन रीड करने वाली डिवाइस ये आपकी इनपुट डिवाइस होगी। ठीक है, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। सो जॉयस्टिक एकदम सही जवाब। ये क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछते हैं, ये क्वेश्चन भी दोनों तरफ से पूछते हैं, जैसे जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर विच पर्पस, है ना। तो आप सब लोग आंसर लगा के आएंगे, मुझे पता है, बिल्कुल सही, फॉर प्लेइंग गेम्स, है ना, फॉर प्लेइंग गेम्स इसका आंसर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए, पीडीए की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी बताइए। आई होप आपको पता होगा पीडीए की फुल फॉर्म। पीडीए मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज द राइट आंसर। देखो पीडीए का मतलब क्या होता है, अच्छे से सीख लो। ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी, बिल्कुल नहीं, जब तक क्वेश्चन समझाएंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो सिलेक्शन दिलवाना है, 200 क्वेश्चन का टारगेट पूरा नहीं करना है। ठीक, मूवी नहीं चल रही है बेटा, पढ़ रहे हो ना, आराम से पढ़ो इसको। तो देखो पीडीए क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते किसको हैं, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ठीक, जितने भी पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं, छोटी डिवाइसेस होती हैं, उन्हें पीडीए कहते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। वेरी गुड गाइस। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए अगला क्वेश्चन। विच हैज हाइएस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी, अंजलि जी थैंक यू वेरी मच, बताइए। विच हैज हाइएस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी, सबसे ज्यादा प्रिंटिंग क्वालिटी किसकी होती है, इंपैक्ट प्रिंटर की, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, प्लॉटर की, थर्मल प्रिंटर की, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। चलिए वेरी गुड, अब देखो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। कुछ लोग इसका आंसर नॉन इंपैक्ट दे रहे हैं, कुछ लोग थर्मल प्रिंटर दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर सब प्रिंटर है, क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग क्वालिटी पूछी है, तो जरूरी नहीं कि आंसर प्रिंटर हो, प्रिंट करने वाला कोई और भी हो सकता है, और यहां पर है आपका आंसर प्लॉटर। प्लॉटर इज द सही जवाब गाइस, क्योंकि प्लॉटर एक एडवांस फॉर्म ऑफ प्रिंटर होता है। प्लॉटर इज द एडवांस फॉर्म ऑफ प्रिंटर। अगर लेजर प्रिंटर भी दिया होता यहां पर, क्योंकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में तो लेजर भी आ जाता है, तो लेजर से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी किसकी होती है, प्लॉटर की होती है। ठीक, तो याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर और प्लॉटर में कंपेरिजन किया जाए तो हमेशा सही जवाब प्लॉटर होगा, लेकिन अगर प्लॉटर ऑप्शन में ना हो तो इस केस में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर यानी लेजर प्रिंटर सही जवाब होगा। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। CRT and LCD are types of dash. CRT and LCD
ये क्या है? तो बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे, दीज ऑल आर मॉनिटर्स, ये मॉनिटर हैं, बिल्कुल सही जवाब है, पता है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिंकिश जी, डेली क्लास की टाइमिंग 1 बजे है, 1 o'clock डेली। डैश डिवाइस इज यूज फॉर रीडिंग ड्राफ्ट एंड चेक, विच डिवाइस इज यूज फॉर रीडिंग ड्राफ्ट एंड चेक, चेक को रीड करने के लिए किस डिवाइस, किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? बिल्कुल सही, MICR एकदम सही जवाब है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज द राइट आंसर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ, MICR से ही अगला क्वेश्चन बताओ, कितने डिजिट का ये कोड होता है? MICR कितने डिजिट का कोड होता है, फटाफट बताओ। बिल्कुल सही जवाब है, 9 डिजिट का ये कोड होता है, 9 डिजिट का ये कोड होता है। ये 9 डिजिट क्या इंडिकेट करती हैं, ये भी बताओ। दीज 9 डिजिट इंडिकेट्स व्हाट, द 9 डिजिट ऑफ MICR इंडिकेट व्हाट, 9 डिजिट बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल, रोहित कॉल जी का सबसे पहले जवाब आया है, सिटी बैंक और ब्रांच, सिटी बैंक और ब्रांच बिल्कुल सही जवाब है, यानी सबसे पहली 3 डिजिट सिटी बताती है, उसके बाद की 3 डिजिट बैंक को बताती है, और लास्ट की 3 डिजिट ब्रांच यानी शाखा को बताती है। बिल्कुल सही जवाब है गाइस, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अगला क्वेश्चन बताइए, डैश इज अ डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल, उस डिवाइस का नाम बताइए जो फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स का पता लगाती है किसी भी इंडिविजुअल में। ऑप्शन है माउस, बायोमेट्रिक मशीन, टच स्क्रीन, कीबोर्ड या फिर नन ऑफ दीस। बिल्कुल सही जवाब, दी राइट आंसर इज बायोमेट्रिक मशीन, बायोमेट्रिक मशीन एकदम सही जवाब है। बायोमेट्रिक मशीन की मदद से थंब, आईलेट्स, राइट, इन सबको स्कैन किया जाता है, फेस एक्सप्रेशन, राइट, इन सबको स्कैन किया जाता है, और इसका यूज फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी नेसेसरी फॉर यू टू डू आफ्टर यू इंस्टॉल द न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब आप अपने सिस्टम में कोई नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जब आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फोन में कोई नया एप्लीकेशन या ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? टर्न द कंप्यूटर पावर स्विच ऑफ एंड देन बैक ऑन, डू अ वार्म बूट, प्रेस शिफ्ट एल्ट प्लस डिलीट, कोल्ड बूट या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब है वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग एकदम सही जवाब है। जब अपने मोबाइल में आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं,
तो वहां पर क्या की जाती है, वहां वार्म बूटिंग होती है। इसका मतलब वार्म बूटिंग क्या होती है, रीस्टार्ट किया जाता है ना। जब कभी आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है डू यू वॉन्ट टू रीस्टार्ट, आप कहते हैं येस आई वॉन्ट रीस्टार्ट, तो वो आपके सिस्टम को वार्म बूट कर देता है, मतलब रीस्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन, टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन, प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, इंसर्ट टेबल, पेस्ट, कट, प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट लेआउट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही, उसका प्रीव्यू लिया जाता है कि वो कैसा दिख रहा है। इसका मतलब प्रिंट आउट लेने से पहले उस पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू किया जाता है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन गाइस। व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर फुल स्क्रीन व्यू, जब आप इंटरनेट को ब्राउज कर रहे होते हैं यानी इंटरनेट चला रहे होते हैं तो किस की का इस्तेमाल किया जाता है फुल स्क्रीन व्यू के लिए, जिससे कि आपकी स्क्रीन पूरी बड़ी हो जाए। और ये शरारत तो कई लोग करते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, क्योंकि यही वो की है जिसके द्वारा दोबारा से वो स्क्रीन छोटी हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है, द राइट आंसर इज F11। तो फुल स्क्रीन करने के लिए भी F11 होता है। और सबसे खास बात ये होती है, मजेदार बात कह सकते हैं, कि F11 से ही वो क्या होता है, वो छोटी हो सकती है। तो कई बार स्कूल और कॉलेजेस में कई लोग ने ये खेल खेला होगा, F11 कर दिया, फिर उसके ऊपर जो कट का सिंबल बन के आता है, क्लोज का सिंबल बन के आता है, वो सिंबल ही नहीं बन के आता, तो कई लोग बंद ही नहीं कर पाते हैं, राइट? चलिए F11 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ, व्हाइल वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हाइल वर्किंग ऑन एमएस वर्ड, विच अमंग दी फॉलोइंग इज दी कमांड फॉर अंडू। एमएस वर्ल्ड में अंडू की कमांड क्या होती है? बिल्कुल सही, रीडू की कमांड होती है कंट्रोल प्लस वाई और अंडू की कमांड होती है कंट्रोल प्लस जेड। अगर आप अपनी की हुई चीज को दोबारा से वापस सेम पोजीशन में करना चाहते हैं तो इट मींस कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, राइट आंसर है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंट्रोल प्लस वाई में, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस वाई इज यूज्ड फॉर रीडू, वेयर एज कंट्रोल प्लस जेड इज यूज्ड फॉर दी अंडू पर्पस। ठीक है, कंट्रोल ए आप जानते हैं सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल यू अंडरलाइन, ठीक है, जेड अंडू और वाई रीडू। अगला क्वेश्चन बताइए, विनोद कुमार जी कह रहे हैं इट्स माय फेवरेट कमांड, बिल्कुल। द टर्म बैंडविथ, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि इसके ऑप्शंस कुछ गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये सही इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन के साथ ये आ चुका है क्वेश्चन, बताइए। द टर्म बैंडविथ रिफर्स टू, द टर्म बैंडविथ रिफर्स टू हाउ मच डेटा कैन बी सेंड थ्रू अ कनेक्शन, द अमाउंट ऑफ डेटा इन अ मल्टीमीडिया फाइल, हाउ फास्ट योर कंप्यूटर इज,
हाउ मच ईमेल कैन बी सेंड थ्रू अ कनेक्शन या फिर हाउ मच वीडियो कैन बी सेंड थ्रू अ कनेक्शन। तो बिल्कुल बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, हाउ मच डेटा कैन बी सेंड थ्रू अ कनेक्शन, कितना डेटा कितनी ब्रॉडबैंड स्पीड के साथ में वो डेटा ट्रेवल कर रहा है, इसको कहा जाता है उसकी बैंडविड्थ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। ये रहा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लिंकिंग पॉइंट दैट शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट। हलवा क्वेश्चन है, बताइए, ब्लिंकिंग पॉइंट दैट शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट, ब्लिंक करता रहता है। बिल्कुल सही आंसर है, ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब कर्सर होगा, जो ब्लिंक करता है जिससे आपकी टेक्स्ट की पोजीशन भी स्पेसिफाई होती है कि राइट अलाइनमेंट है या लेफ्ट अलाइनमेंट है या सेंटर अलाइनमेंट है या जस्टिफाई है, है ना, ये कर्सर के थ्रू ही पता चलता है। तो कर्सर एकदम सही जवाब है। कई लोग आंसर देते हैं पॉइंटर और कई लोग देते हैं ब्लिंकर, ठीक, दोनों ही गलत है। The right answer is cursor. अगला क्वेश्चन, What is a database? Database इसमें से क्या है? It is a collection of data arrangement in rows, collection of data arrangement in columns, collection of data arrangement in rows and columns, all of these, या फिर None of these। तो बिल्कुल आप लोग पहचान पा रहे होंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज एंड कॉलम्स में जब हम डेटा को अरेंज करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेटाबेस। सो अरेंजिंग द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीओ लेवल पे बहुत बार पूछा गया है, कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सॉफ्ट पेज ब्रेक, सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होता है? सॉफ्ट पेज ब्रेक क्या होता है, बिल्कुल सही आप समझ पा रहे हैं, that are inserted by word automatically at the end of the page। page break का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, it is executed when you inserted a word automatically at the end of the page। जब पेज के लास्ट में कोई भी वर्ड ऑटोमेटिकली एंटर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं पेज ब्रेक, सॉफ्ट पेज ब्रेक। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, The scan disk program, scan disk नाम का एक प्रोग्राम है, ये क्या करता है? अगेन आपका पीओ लेवल का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पीओ लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। What is scan disk? It is a disk analysis and repair tool। जब भी आपकी हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क जैसी डिस्क काम करना बंद कर देती हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए स्कैन डिस्क नाम का एक कमांड होता है, उसको चलाया जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकुलर टू जो डिस्क होती है वो रिपेयर होती है। राइट, दिस इज कॉल्ड स्कैन डिस्क प्रोग्राम। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज अ लाइट पैन, What is a light pen? Mechanical input, optical input device, electronic input, optical output, both optical and electronic। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं light pen क्या होता है, input device है और इसमें laser beam निकलती है, laser light निकलती है, तो इसका मतलब कैसी light है, ये optical input device है, this is your
ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इनमें से क्वेश्चन आता जरूर है, तो याद रखिएगा आप लोग। लाइट पेन इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अप्रोक्स 15 से 18 क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे देखने के लिए, याद रखिएगा। कैड की फुल फॉर्म क्या है? हलवा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द राइट आंसर। तो प्लॉटर के थ्रू जो काम होता है वो कैड और कैम बेसिस पे होता है। प्लॉटर में कैड और कैम का यूज होता है काम करने के लिए। सो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द परफेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट, वट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में एक ऐसा रिसोर्स जो शेयर होता हो वो क्या है? प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड या सीडी रोम? तो बिल्कुल याद रखिएगा, नेटवर्क में वो रिसोर्स जो शेयर होता है वो आपका प्रिंटर होता है। प्रिंटर ही शेयर हो सकता है और कुछ शेयर नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन डैश। फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको किस में रखा जाता है? आर्चीव्स में, फोल्डर्स में, इंडेक्स में, लिस्ट में या डॉक्यूमेंट में? तो आप लोग जानते हैं, जब भी हम फाइल को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज करने के लिए उस फाइल को फोल्डर में हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। तो फोल्डर आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू? इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट है? तो आप लोग जानते हैं, सीपीयू के पार्ट की बात करें तो सीयू, एएलयू, एमयू, ये आपका सीपीयू का पार्ट होता है, प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू दिया है, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, डैश आर प्रोवाइडेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा। यानी आपको किसी डेटा को एडिट करना है, चेंज करना है, तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं, कभी भी एडिटिंग की बात की जाए तो एडिटर्स का यूज किया जाता है। कई सारे एडिटर्स आते हैं चेंज करने के लिए, टेक्स्ट और डेटा को चेंज करने के लिए एडिटर्स आज यूज। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर की बात करें तो एनओएस की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में यूज हो रहा है या फिर ये कोई ओपन सॉफ्टवेयर है? एनओएस की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क एक्टिविटीज के लिए कनेक्ट किया जाता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? एनओएस कहते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर द नेटवर्क एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। अब तुम लोग कह रहे हो फास्ट जब पढ़ाते हैं तो कहते हो स्लो पढ़ाओ, स्लो पढ़ाते हैं तुम लोग कहते हो फास्ट पढ़ाओ। चलो, डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर रूल्स और प्रोसीजर की जब बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं इसे प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है गाइस।
मतलब तुम लोग जीने नहीं दोगे, है ना? तेज पढ़ाएंगे तो स्लो बोलोगे और स्लो पढ़ाएंगे तो तेज बोलोगे। तो स्पीड तुम लोग फिक्स कर दो, एवरेज रखना क्या है, ठीक? फिर उसी एवरेज से पढ़ाएंगे। चलो, ट्रैक एंड सेक्टर इज एसोसिएटेड विद, ट्रैक और सेक्टर किससे एसोसिएटेड है? बिल्कुल, आप लोग जानते हैं ट्रैक और सेक्टर की बात करते हैं तो वहां हम लोग स्टोरेज की बात करते हैं। तो डेटा स्टोरेज ऑन डिस्क, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, है ना, ये आपकी ट्रैक्स और सेक्टर्स में बटी होती हैं। सो ट्रैक एंड सेक्टर इज एसोसिएटेड विद डेटा स्टोरेज ऑन अ डिस्क। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीओआईपी की फुल फॉर्म क्या है? VOIP की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज योर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VOIP मींस योर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? यानी फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, Which of the following is a type of a network? इनमें से कौन सा नेटवर्क का बिल्कुल सही सटीक आंसर है? Which of the following is a type of a network? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क है। PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपका नेटवर्क है। बाकी सब आपकी टोपोलॉजी है। रिंग, बस, स्टार, मैश, ये आपकी टोपोलॉजी है, जबकि PAN आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कुछ सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और आज का जो होमवर्क ऑफ द क्वेश्चन था उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए मैं सचिन अरोड़ा आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे ठीक 1 बजे कई सारे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।